मोदी क्या है? मोदी को, मोदी कोई चीज है क्या? तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ बता? और तुम हिंदू भी नहीं है, केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता, क्यों नहीं छिलवाया बताओ? देश भर में नफरत फैला रहे हो। तेजस्वी यादव ने जब जन विकास रैली में गए थे बिहार के कोने कोने में, इनका भाषण हो रहा था आपके बीच में, तो तेजस्वी यही आपसे अपील कर रहे थे कि गांधी मैदान में 3 तारीख को आइए, पापा ने बुलाया है, और 10 दिन तक आपके आंगन में, आपके खेत और खलिहानों में तेजस्वी यादव बिना सोए हुए घूमते रहे। अभी ज्यादा कसरत करने की जरूरत यह है कि सभी अत्यंत पिछड़े भाई, पिछड़े वर्गों के लोग, दलित भाई के बीच में अभी हम लोग को मेहनत करना है जाकर। उन्नीस सौ नब्बे में आप सबको, हमारे नौजवानों को पता है या नहीं, लोकतंत्र में जो हमें अधिकार है, दलित पिछड़े आदिवासियों को इससे दूर रखा जाता था वोट के अधिकार से, और वोट और मतदान केंद्र, ये जो बड़े बड़े लोग थे, सामंती लोग, ये सब अपने दरवाजा पर रखते थे बूथ को कि गरीब आवे नहीं, और उनको, उनके वोट को लूट लिया जाए। हमने ताकत दिया लोगों को, ताकत दिया, इसी गांधी मैदान में सभी छोटी छोटी जातियों का सम्मेलन कराया, जातीय सम्मेलन, सबको बुलाया, यहां सबसे भाषण कराया, और पूरा बिहार में ही नहीं, देश भर में गरीबों को जो अधिकार दिया, मंडल कमीशन लागू कराया। इस मंडल कमीशन का नतीजा हुआ कि आज कोई भी जो अपने को बड़े आदमी कहते, गरीबों की तरफ आंख नहीं दिखाता, हिम्मत नहीं है। पहले तो चापाकल नहीं था, नल नहीं था, कुआं हुआ करता था, इनार जिसको बोलते, इनार पर, सुनो ना भाई, इनार के ऊपर अगर कोई ऊंच जात के महिला पानी भरती थी, और ये दबे कुचले लोग, ये अगर कुआं में डाल दिया साथ में पानी में,
तो उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। अब कुआं में के पानी को सोच करके पानी को तब लोग रख लगते थे, ऐसे पानी फेंक देते थे। मंडल कमीशन का पूरा सारे देश भर में फैलाव हुआ, और फैलाव ही नहीं हुआ, सत्ता में पिछड़े वर्गों के लोगों का पूरा कब्जा होने लगा। आज वही नतीजा है, नतीजा है कि आज हर पिछड़ा वर्ग और दलित गरीब आदमी सत्ता के मुख्य दरवाजे पर आके खड़ा है। ये मोदी क्या है? मोदी को, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ? ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।